हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुबीन ए मुंडेवाड़ी, मुंडेवाड़ी आयुर्वेदिक क्लिनिक से। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिकरेंट या क्रॉनिक साइनसाइटिस और क्रॉनिक या रिकरेंट राइनाइटिस। अब ये जो दो बीमारियां हैं ये सर्दी नाक से रिलेटेड है। जब बार बार सर्दी होती है तो उसको राइनाइटिस बोलते हैं, रिकरेंट राइनाइटिस। और जब यही सर्दी ज़्यादा फैलती है और सिर के अंदर जो खाली स्पेस है, साइनसेस हैं, वो भी सूज जाते हैं तो उसको साइनसाइटिस बोलते हैं। अक्सर राइनाइटिस यानी सर्दी बहुत दिन रहेगी तो उसके बाद फिर धीरे धीरे ये कान में भी इन्फेक्शन जाता है और इसी तरह से साइनस में भी जाता है और ये काफ़ी कई हफ्तों तक, कई महीनों तक चल सकता है। आमतौर पे एक आम इंसान को, एक बड़े एडल्ट को साल में 2 से 4 सर्दी वाले इन्फेक्शन्स होते हैं, जबकि बच्चों में थोड़ा ज़्यादा, 5 से 10 तक साल में हो सकते हैं। लेकिन कई ऐसे लोग रहते हैं जिनको बार बार सर्दी होती है, बार बार साइनस इन्फेक्शन होता है, तो ऐसे सिचुएशन में इनकी ज़िंदगी, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, बहुत ख़राब होती है। अब ये आमतौर पर ये जो सर्दी है ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है या फिर पोल्यूशन की वजह से, एलर्जी से हो सकता है, तो ज़्यादातर ये इसके कारण है। और इसका ट्रीटमेंट भी उसी तरह से किया जाता है, आयुर्वेदिक हर्बल दवाई जो है दी जाती है, ताकि जो नाक में सूजन है और जो साइनसेस में सूजन है म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर, वो सूजन उतारने के लिए दवा दी जाती है। इन्फेक्शन अगर है तो इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए उसके लिए अलग से हर्बल दवाई दिए जाते हैं। अभी आजकल तो आमतौर पर आपको सबको पता है कि सर्दी के लिए अगर जल्दी दवा करनी हो तो ड्रॉप्स मिलते हैं, स्प्रे मिलते हैं और इससे तुरंत सर्दी कंट्रोल में आती है। तो यहाँ पे मैं जो बात कर रहा हूँ, ये जो बार बार सर्दी होती है या जल्दी सर्दी अच्छी होती नहीं है या फिर साइनस इन्फेक्शन है और कई हफ्तों तक चल रहा है, कंट्रोल में नहीं आ रहा है, इस तरह के इन्फेक्शन जो क्रॉनिक रहते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। ऐसे सिचुएशन में आयुर्वेदिक दवाइयाँ अच्छी काम करती हैं। तो नाक में, साइनस में जो भी पूरा सूजन है वो पूरी सूजन उतर जाती है, सिर हल्का हो जाता है और उसके आगे फिर ये दोबारा न हो उसके हिसाब से भी, रिकरेंस प्रिवेंट करने के हिसाब से भी दवाई दी जाती है। तो आमतौर पर सर्दी के लिए या साइनस के लिए 2 से 4 महीने की दवा करनी पड़ती है। और अगर ये एलर्जी की वजह से है तो इसके लिए फिर अलग से रसायन चिकित्सा देना पड़ती है। अगर सीजनल टाइप का है तो उसके सीजन के हिसाब से रसायन चिकित्सा दे सकते हैं, और अगर ये साल भर चलते ही रह रही तो फिर उसको जो ये रसायन ट्रीटमेंट है ये थोड़ा ज़्यादा महीनों तक देना पड़ता है। साइड बाय साइड नस ट्रीटमेंट करके एक चिकित्सा है, आयुर्वेदिक चिकित्सा, इसको भी किया जाता है, इससे भी काफ़ी रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। तो इस तरह से ये कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट है जिसके अंदर ओरल ट्रीटमेंट ज़्यादा करके काम करता है, साइड बाई साइड नस ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। तो इस तरह से आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट जो है ये क्रॉनिक राइनाइटिस और क्रॉनिक साइनसाइटिस, इन दोनों के लिए सही ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हुआ आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट क्रॉनिक राइनाइटिस और क्रॉनिक साइनसाइटिस का। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।